नमस्ते फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रेणुका और आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि कई लोगों की डाइट बहुत अच्छी होती है, वो कुछ भी खा लें सब पच जाता है, वे मोटे नहीं होते हैं। लेकिन कुछ लोग कितनी भी डाइटिंग कर लें, उनका वज़न बहुत जल्दी जल्दी बढ़ जाता है। दोस्तों, उन लोगों का मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा होता है, इसलिए उनका खाना पच जाता है। तो यदि आपको वज़न कम करना है तो अपने मेटाबॉलिज्म पे काम कीजिए। वेट लॉस और मेटाबॉलिज्म का बहुत पास का कनेक्शन होता है, और यदि आपने इसको समझ लिया तो आपकी वेट लॉस की जर्नी बहुत आसान हो जाएगी। दोस्तों, कई लोग डाइटिंग और फास्टिंग का एग्जैक्ट मीनिंग या मतलब समझे बिना बस खाना खाना छोड़ देते हैं। इससे क्या होता है, उनकी बॉडी में जो न्यूट्रिशंस की वैल्यू होती है, जो न्यूट्रिशंस का लेवल होता है, वो कम होता जाता है और उनका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फास्टिंग का वज़न कम करने में क्या रोल है, फास्टिंग और स्टार्वेशन में क्या फ़र्क होता है, और फास्टिंग का साइंटिफिक और प्रैक्टिकल अप्रोच क्या है, और हमारे वज़न को कम करने में मेटाबॉलिज्म किस तरह से हेल्प कर सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको अपने शरीर से विषैले पदार्थों को निकालने के लिए और हेल्दी वे में वज़न कम करने के लिए अपने मेटाबॉलिज्म पर काम करना पड़ेगा। और मैं यह मान के चल रही हूँ कि आप डिटॉक्स कर रहे हैं अपनी बॉडी को, मेरे बताए हुए डिटॉक्स ड्रिंक ले रहे हैं, और आपने ऑलरेडी अपनी बॉडी को मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करने के मोड पर डाल दिया है। तो अब हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि फास्टिंग में और स्टार्वेशन में क्या डिफरेंस होता है। जब हम बस भूखे रहते हैं बिना किसी प्लानिंग के, उसे स्टार्विंग कहते हैं। एक्चुअली इसमें होता क्या है कि हम बस जो डेली में खाना खा रहे थे वो खाना कम कर देते हैं, उसकी क्वांटिटी कम कर देते हैं, उसके न्यूट्रिशन लेवल को जाने बिना। उससे क्या होता है, हम दुबले तो हो जाते हैं लेकिन हमारा जो बॉडी का इम्यून सिस्टम होता है वो वीक हो जाता है। फास्टिंग में या डाइटिंग में हम प्लान्ड होकर हमारे फूड की क्वांटिटी पर कंट्रोल करते हैं और उस फूड के हेल्दी सब्स्टिट्यूट पर हम शिफ्ट हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी में न्यूट्रिशन का लेवल तो कम नहीं होता है पर हमारा वेट जरूर रिड्यूस हो जाता है। याद कीजिए, गांधी जी ने अपने कोट में कहा है कि फास्टिंग बेस्ट वे है हमारी बॉडी, माइंड एंड सोल को हील करने के लिए। हमारे भारत में, इंडिया में फास्ट को बहुत पुराने समय से चला आ रहा है और इसको हम प्रेयर से जोड़कर देखते हैं। मुस्लिम्स रमज़ान के महीने में फास्ट रखते हैं, हिंदू नवरात्रि के महीने में फास्ट रखते हैं। मींस ये जो बेनिफिट्स हैं फास्टिंग के या डाइटिंग के, ये हमारे देश में बरसों से चले आ रहे हैं। ईयर 2016 में नोबल प्राइज़ विनर डॉक्टर योशिनोरी, जो जापानीज साइंटिस्ट हैं, उन्होंने अपनी रिसर्च में क्लियर किया है कि फास्टिंग के दौरान हमारी बॉडी की जो सिक सेल्स होती हैं वो ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ऑटोफेजी एक्टिवेट हो जाती है और जो हेल्दियर सेल्स होती हैं वो सर्वाइव करती हैं, जिससे कि हमारी बॉडी हेल्दी हो जाती है और उसकी एजिंग की जो प्रोसेस होती है वो भी स्लो डाउन हो जाती है। तो दोस्तों, फास्टिंग केवल वज़न कम करने में या मेटाबॉलिज्म अच्छा करने में ही हेल्प नहीं करती है, बल्कि वो कई क्रोनिक जो डिजीज़ होती हैं हमारी बॉडी में उनको भी हील करने में हेल्प करती हैं, जैसे कि कैंसर और दूसरी क्रोनिक डिजीज़। तो दोस्तों, इस तरह से डाइटिंग या फास्टिंग हमारे पूरे शरीर को हेल्दी बनाती है। हमारे सारे वाइटल ऑर्गन, चाहे ब्रेन ले लीजिए, चाहे किडनी, चाहे हार्ट, चाहे लिवर, सबको हेल्दी रखती है। हमारी एजिंग प्रोसेस को वो स्लो डाउन कर देती है, स्किन ग्लो करने लगती है, बालों में चमक आ जाती है। और ये जो होता है, ये जो प्रोसेस होती है, ये किसी दवाई से नहीं होती है, केवल एक फास्टिंग से आपके शरीर में इतने अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं। यहाँ हम प्रैक्टिकली देखना चाहें तो जब हम रात भर सोए होते हैं, रात को जब हम स्लीपिंग मोड में होते हैं और हम कुछ भी खा नहीं रहे होते हैं, तो देखा जाए तो हम फास्टिंग मोड में होते हैं, और जब हम सुबह उठते हैं तो हमारे मुँह से फाउल स्मेल आती है, स्टूल पास होता है, यूरिन पास होती है। तो दोस्तों, हमारी बॉडी उस टाइम अपने टॉक्सिन्स को रिलीज़ कर रही होती है। तो सोचिए, अभी तो आपने कोई प्लान करके डाइट किया ही नहीं है, बस आप 7 से 8 घंटे भूखे रहें तो भी बॉडी में डिटॉक्सिफिकेशन की जो प्रोसेस है वो शुरू हो जाती है। तो सोचिए, यदि आप प्लान करके डाइटिंग या फास्टिंग करते हैं तो बॉडी में कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते होंगे।
तो दोस्तों अब हम चर्चा करेंगे कि हम फास्टिंग या डाइटिंग किस तरह से करें कि हमारा मेटाबॉलिज्म अच्छा हो, हमारा एनर्जी लेवल या न्यूट्रिशन लेवल भी कम ना हो, और हम किस तरह से प्रैक्टिकली इजीली डाइटिंग या फास्टिंग कर सकें। कोई भी वेट लॉस की जर्नी को स्टार्ट करने के पहले ये 10 पॉइंट दिमाग में रखिए। नंबर 1, गेहूँ या चावल की जगह दूसरे अनाज खाइए, जैसे कि ओट्स हुआ, मक्का हुआ, ज्वार हुआ, रागी हुआ, इस तरह से। नंबर 2, दिन भर में कोई भी एक मील स्किप करने की आदत डालिए, मतलब आपको एक मील नहीं खाना है, इसमें स्पेशली आप डिनर को स्किप करने की कोशिश कीजिए। नंबर 3, आपको अपने दिन भर के रूटीन में शक्कर या चीनी को छोड़ना पड़ेगा, उसकी जगह आप जो नेचुरल उसके जो सब्स्टिट्यूट हैं, जैसे कि खांड सरी है, खांड है, गुड़ है, कोकोनट शुगर है, आप उन पर शिफ्ट हो सकते हैं। यदि आप दिन में 4 मील लेते हैं तो उसमें से एक मील को सूप में, वेजीज में या फ्रूट्स में चेंज करने की कोशिश करें। और यदि आपको गलत समय पर भूख लगती है तो सबसे पहले कोशिश करें कि एक गिलास गुनगुना पानी पिएं, और तब भी भूख शांत नहीं होती है तो फिर आप फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ही खाएं। और एक चीज़ और है, अपने खाने को चबा चबा कर खाएं। खाने को चबा चबा कर खाने से पेट में फुलनेस की फीलिंग आती है और मेटाबॉलिज्म भी इम्प्रूव होता है। जब भी डाइटिंग स्टार्ट करें तो धीरे धीरे स्ट्रिक्ट मोड पे जाएं, एकदम से स्ट्रिक्ट मोड पे ना जाएं, जिससे कि बॉडी उस पैटर्न के लिए हैबिचुअल हो जाए। और दोस्तों आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, और यदि आप डिनर लेते हैं तो 7 बजे के पहले डिनर ले लें। और एक और चीज़, आप दिन में 3 बार खाना खाते हैं या 4 बार खाना खाते हैं, अपना खाने खाने का टाइम निश्चित करें। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमारी बॉडी जो होती है डाइजेस्टिव जूस सीक्रेट करती है, जिससे हमारा खाना जल्दी पच जाता है और मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, धैर्य रखें, पेशेंस रखें। कोई भी आदत को हमारी बॉडी को लगने में 3 से 4 हफ्ते का समय लगता है, इतना समय अपनी बॉडी को दें। और कोई भी चीज़ स्ट्रेस के साथ या फोर्स के साथ ना करें। और एक चीज़ और, इस फीलिंग के साथ करेंगे तो ये बहुत फ्रूटफुल होगा कि इससे हमारी बॉडी क्लीन हो रही है, हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो क्लीन हो रहा है, और हमारी बॉडी हेल्दी वे में हील हो रही है। इसके साथ एक और बोनस पॉइंट डिस्कस करना चाहूँगी। आपको सुबह सुबह उठते ही 2 ग्लास गुनगुना पानी पी के फ्रेश हो के कम से कम आधा घंटा वॉक करना है। दोस्तों उस टाइम हमारे शरीर में खाना नहीं होता है जिससे हमको एनर्जी मिले, तो जो जमी हुई चर्बी होती है वो ही मेल्ट होके हमको एनर्जी देती है, तो उससे बहुत जल्दी हमारी बॉडी का फैट रिड्यूस होता है, वजन कम होता है। और ऐसे ही आपको खाना खाने के बाद स्पेशली रात को एक 15 से 20 मिनट की स्लो वॉक जरूर करनी है। दोस्तों यदि आपने दिन भर में इतना भी कर लिया, यदि आप ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं तो भी आपके वजन पर ज़रूर फर्क पड़ेगा। दोस्तों यदि आपको मेरा यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो और आपका डाइट का, फास्टिंग का, मेटाबॉलिज्म के कंसेप्ट को क्लियर करने में हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, माई चैनल। थैंक यू।